वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग सब कैसे हो? अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज है थर्सडे, अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, बज रहे हैं 3:30। अभी से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और ये वाला जो टॉप है ना, और ये 3/4 पैंट मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, जिसका कलर और जिसका क्वालिटी एकदम A1 है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे और पहन के भी अच्छा लग रहा है। तो थंबनेल देख के तो आप लोगों को पता चल ही गया है कि मैं आज किस बारे में बात करने वाली हूँ। यस, मेरा 3 बेस्ट और फेवरेट यूट्यूबर के बारे में मैं कुछ अच्छी बात करने वाली हूँ, क्योंकि उन लोगों का कॉमेंट सेक्शन में अगर जाओगे ना तो ज़्यादा से ज़्यादा गंदी बात, गंदी लैंग्वेज, जो मैं इस सब में मैं बोलना नहीं चाहती। तो कुछ अच्छी बात, जिन लोगों का वीडियो देख के मैं इंस्पायर होकर मैंने अपना चैनल खोला और थोड़ा थोड़ा करके मैं कर रही हूँ जितना मुझसे हो रहा है। तो मैं ना कैमरा पहले स्टैंड में लगा, तो उसके बाद मैं कुछ बातें करती हूँ। हाँ, तो सबसे पहले मैं जिनके बारे में बोलूँगी वो है फ्लाइंग बीस्ट गौरव सर, जिनका मैं ना बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। स्पेशली उसका बॉडी, ओ माय गॉड, बहुत ही अच्छा बॉडी है। तो गौरव सर को मैं ज़्यादा, 1 साल नहीं, 10 महीने या फिर 9-10 महीने में मैं एकदम उनका बड़ा फ़ैन हो गई हूँ। सबसे पहला जो ब्लॉग मैंने उनका देखा था वो है रितु भाभी का प्रेगनेंसी वाला, कुछ कोई लेबर पेन कुछ ऐसा हुआ था, जो जब रेसबेरी जब पैदा होने वाला था तब का फर्स्ट वीडियो मैंने देखा था उनका। और उसके बाद एक के बाद एक वीडियो देख के मैं उनका बड़ी फ़ैन हो गई, और अभी तक मैं उनका एक एक वीडियो देखती हूँ। और उनका जो ब्लॉगिंग स्टाइल है ना, ओ माई गॉड, माइंड ब्लोइंग, इतना अच्छे तरीके से ब्लॉगिंग करता है। तो आप अगर आप लोग ब्लॉग देखना पसंद करते हो तो गौरव सर को ऑब्वियसली आप लोग पहचान हो गया। मिलियन 27 लाख सब्सक्राइबर है उनका, तो बहुत बड़ा बात है मेरे लिए। पर मैं रोज वीडियो देखती हूँ उनका, ये रहा फर्स्ट। और सेकंड जो है सोमाली दी, सोमाली का वीडियो मैं 3 साल पहले से एक बिरयानी मैं यूट्यूब में सर्च कर रही थी बिरयानी का रेसिपी, तभी उन लोग सोमाली दी का एक बिरयानी रेसिपी आया, जिसके बाद मैं उनका वीडियो 3 साल से देख रही हूँ। तो उनका फैमिली भी बहुत अच्छा है, मिथुन दा, आर्यन, वो लोग बहुत ही अच्छा एक स्वीट फैमिली है। तो उनका वीडियो देखने से ना एक पॉजिटिव एनर्जी मिलता है। उस रहना क्या होता है, उन लोगों का वीडियो देख के पता चल जाएगा। सोमाली दी का 3-4 चैनल है और हर एक चैनल में मैं फॉलो करती हूँ। तो ये रहा सेकेंड। और थर्ड जो है मैत्री दी, ओ माई गॉड, मैत्री दी का जो घर जाने का डेकोरेशन का जो पैशन है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। उनके वीडियो देख देख के मैंने अपना किचन का हो या फिर घर का हो एक एक चीज मैंने बनाया है। मैं ये एकदम गौरव से, गौरव ही तो बोलते हैं ना, प्राउड से बोल सकती हूँ। प्रीति को देखना भी पसंद है, शांतनु भैया को देखना भी पसंद है, लोगों का फैमिली क्यूट वाला एक स्वीट वाला फैमिली है। तो ये रहा थर्ड नंबर। तो ये 3 बहुत सारे यूट्यूबर है जो मुझे पसंद है, पर ये 3 जो है वो बेस्ट मेरे लिए। तो ये था मेरा 3 बेस्ट यूट्यूबर्स जिनको मैं फॉलो करती हूँ। आई थिंक आप लोग भी फॉलो करते ही होंगे, क्यों नहीं करोगे। तो चलिए अभी ना मैं एक स्वीट डिश बनाने वाली हूँ। एक्चुअली मैंने कल बेसन का लड्डू बनाया था जो कि बहुत ही अच्छा हुआ था, ज़्यादा बेसन नहीं था, थोड़ा सा ही था, तो 6-7 हुआ था लड्डू। पर मैं आज ज़्यादा करके बनाऊंगी, सुनूंगा, मैंने फ़ोन करके बोला है बेसन लाने के लिए, तो वो ना बहुत ही टेस्टी हुआ था। तो कल तो मैंने कोई वीडियो नहीं किया, तो मैंने सोचा नहीं, आप लोगों के साथ ये रेसिपी जरूर शेयर करना चाहिए और इस तरह से ना आप लोग घर में जरूर बनाना। तो चलिए मैं किचन में जाते हैं और ये बेसन के लड्डू मैं किस तरह से बनाती हूँ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो बेसन के लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए बेसन और ये चीनी, मैंने थोड़ा सा मिक्सी में पीस लिया है। कोई भी बादाम आप लोग ले सकते हो, मैंने इधर आलमंड लिया है, काजू भी हो सकता है। और लगेगा घी, घी इम्पोर्टेंट है, ये जो बेसन का लड्डू है पूरा घी से ही बनेगा। और अभी मैंने कढ़ाई बैठाया है और कढ़ाई में मैं थोड़ा सा ज़्यादा करके घी लगेगा, तो इतना सारा घी। तो घी जब थोड़ा सा गर्म हो जाए इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके दे दूंगी बेसन, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके मुझे देना है। और अब ये बेसन को घी के साथ मुझे 15 मिनट तक अच्छी तरीके से फ्राई करना है। याद रखिए गैस का फ्लेम एकदम लो हो, एकदम हाई नहीं, अगर ये जल जाए तो बहुत ही बुरा लगता है खाने में। तो एकदम लो फ्लेम में इसको 15 मिनट तक हम लोगों को भूनना है। 5 मिनट भूनने के बाद अभी मैं इसमें दे दूंगी ये आलमंड्स, और अभी मैं 10 मिनट तक इसको और धीमे आंच में पकाऊंगी, और लगातार आपको चलाना है, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगा। मैंने गैस का फ्लेम एकदम लो ही रखा है,
और इसमें ना घी थोड़ा सा ज़्यादा करके जाता है, तो ये इसका जो हलवाई वाला टेस्ट रहता है। तो 15 मिनट तक फ्राई करने के बाद अच्छी तरीके से भुन गया है ये, और मैंने निकाल लिया है एक प्लेट में, इसको ठंडा होने के लिए फ़ैन के नीचे रखी हूँ। और इसके बाद मैं इसमें एक चम्मच घी दूँगी, ठंडा होने के बाद अभी नहीं, और ये जो चीनी पिसा हुआ है ये दूंगी, और ये तो है गार्निश के लिए, ये अभी नहीं, तो ये थोड़ा सा भी ठंडा हो जाए। पूरा ठंडा होने के बाद ही मुझे चीनी देना है, गल जाएगा जो खाने में एकदम अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए बेसन को पहले अच्छी तरीके लिए बेसन को अच्छी तरीके से ठंडा होने देना है। तो ये 10 मिनट तक फैन के नीचे था, अभी मैं डाल दूंगी इसमें एक चम्मच जितना इतना सारा घी, थोड़ा सा घी लगेगा अभी, और इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी। और घी जब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, अभी मैं इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके चीनी दूंगी। चीनी जो है ना वो आपके स्वाद के अनुसार ही दीजिए। रहा तैयार बेसन का लड्डू, जो दिखने में और खाने में बहुत ही टेस्टी हुआ है। मैंने एक टेस्ट किया है, बहुत ही यम हुआ है, और सेम प्रोसेस में मैंने कल भी बनाया था, पर कल ना मैं सिर्फ एक चीज़ इसमें एक्स्ट्रा डाला था, वो है बटर। तो बटर से ना थोड़ा सा टेस्ट और भी ज़्यादा कल अच्छा हुआ था, और आज भी अच्छा हुआ है। मैंने सिर्फ घी में बनाया है, बटर नहीं डाला, क्योंकि बटर नहीं था इसलिए। तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी है, और इस तरह से बहुत ही आसानी प्रोसेस में आप लोग घर में बना सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। कैसा लगा मेरा आज का वीडियो? अगर कोई भूल त्रुटि हो तो माफ़ कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।